एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 प्रश्न बैंक कक्षा 9 के। तो आज के वीडियो में हम आपके सामने कक्षा 9 की जो हिंदी विषय की पुस्तक है उसका प्रश्न पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र इस प्रश्न पत्र में आपको कुल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की चल रही है। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। यह जो प्रश्न पत्र है यह श्रीमती सुषमा राठौड़ और श्री भवानी कांत पंचोली जो शिक्षक हैं उनके द्वारा ये प्रश्न पत्र निर्मित है। तो इसमें हम आपके सामने 100 क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, इन पंक्तियों में से उस शब्द को आपको छांटना है जो रात्रि का पर्यायवाची है। तो यहाँ चार शब्द दिए गए हैं, काली रजनी लहर कल्पना। तो इसमें आपको पहचानना है रात्रि जो है उसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजनी इसका पर्यायवाची है, किसका, रात्रि का। क्वेश्चन नंबर दो है, पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस पंक्ति में क्रमशः किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा होगा जो चिन्ह हैं हिंदी व्याकरण में चिन्ह जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम देखें तो ऊपर दो इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो आप देखोगे सभी ऑप्शनों में उद्धरण चिन्ह दिया गया है। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पर आप जिसको अंग्रेजी में कोमा बोलते हैं ये अल्प विराम है, उसके बाद में आप देखोगे अल्प विराम इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर आप आगे देखोगे अल्प विराम आगे भी है, तो अल्प विराम एक बार ये नाम अल्प विराम का हो चुका है। फिर आगे देखोगे पूर्ण विराम के नीचे आपको नुक्ता बिंदु दिखाई देगी, मतलब ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो इसमें आप देखोगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। वीडियो पर अंत तक बने रहें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भाव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ जो है वो कमी हो जाएगा। तो यहाँ आप प्र उपसर्ग लगाओगे तो ये प्रभाव बन जाएगा, प्रभाव का अर्थ होता है असर, और इसमें ए लगाओगे अभाव हो जाएगा, अभाव का अर्थ कमी होता है। तो ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किस समूह का कोई एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें एक शब्द ऐसा मिलेगा जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शन द है ये, इसमें आपको अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, और ए ऑप्शन में सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, ब वाले भी अग्नि के पर्यायवाची हैं, स वाले भी अग्नि के पर्यायवाची हैं, मगर द वाले अग्नि के पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निराहारी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द क्या होगा। तो निराहारी जो शब्द है इसमें निर तो उपसर्ग हो जाएगा, आहार मूल शब्द हो जाएगा और ई इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित विकल्पों में से सही चिन्ह प्रयोग किस विकल्प में नहीं है, नहीं वाला आपको छांटना है। तो यहाँ आप देखोगे हे प्रभु हमें शक्ति दो, यह है ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही चिन्हों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है और तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा होगा। तो यहाँ आप देखोगे अतिथि मुनि ये दोनों शुद्ध हैं, बाकी में आपको अतिथि गलत दिखाई देगा, किसी में मुनि गलत दिखाई देगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 8। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक टीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में पिंजरबद्ध पंछियों की कौन सी भावना यहाँ प्रकट हो रही है? तो यहाँ हम देखें तो एक जो पंछी है, पक्षी है, वो पिंजरे में बंद है और वो पिंजरे से बाहर आकर खुले गगन में वो उड़ना चाहता है। तो यहाँ उसकी व्याकुलता की जो भावना है वो प्रकट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनल शब्द में किसी एक वर्ण में ई की मात्रा लगाने पर वह किस शब्द का पर्यायवाची बन जाएगा? तो यहाँ ए में तो ए की मात्रा लगेगी नहीं, न और ल में लगा देंगे, तो वो किस शब्द का पर्यायवाची बनेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ ए नी ल, ई छोटा लगाना है, अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा, अनिल का पर्यायवाची हवा होता है, तो ऑप्शन सही इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से घट शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो यहाँ घट शब्द के 3 अर्थ तो सही हैं और एक जो है वो गलत है। तो धन का घट का अर्थ धन कभी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ हम देखें तो ऑप्शन ब जो है, नीरद, जलद, अम्बुक, अम्बुद और वारिद, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। सभी के अंत में आपको द दिखाई देगा, तो ये सभी किसके? बादल के पर्यायवाची हैं। और जिसके अंत में जय दिखाई दे वो सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि वो जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला और दय का अर्थ होता है देने वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? तो ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं, व्याकरण के सभी टॉपिक आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप ये वीडियो देखो और वहाँ के वीडियो देखकर आप व्याकरण को बहुत ही आसानी से सीख पाओगे और सभी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निरंतर। तो यहाँ निरंतर क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वे बात कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम छांटकर उसका प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ हम देखें इसमें वे पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है जबकि अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इन खाली स्थानों में क्या आएगा वो आपको बताना है। सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है जबकि अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माँ बच्चे खाना खाया, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें हम देखें माँ से बच्चे ने खाना खाया, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सालू हथौड़ी से कील ठोकी, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए कारक का प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ सालू ने कर्ता कारक इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, रेखांकित शब्दों में सर्वनाम किस प्रकार का है? तो यहाँ हमें जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो यहाँ हमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बात कड़वी थी पर 100% सच, वाक्य में कड़वी शब्द में विशेषण का प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ कड़वी शब्द जो है कड़वा गुण का भाव प्रकट करता है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, वाक्य में घोड़ों शब्द के संबंध में संगत ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ हम देखें घोड़ों बहुवचन है, क्योंकि घोड़ा एक वचन होता है, घोड़े बहुवचन होता है और ये जातिवाचक संज्ञा है, ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, तुम मुझको एक पुस्तक दो, वाक्य में
अशुद्ध सर्वनाम को पहचान कर उसका शुद्ध रूप आपको बताना। तो यहाँ हम देखें मुझको एक पुस्तक दो, तो यहाँ मुझको की जगह हो जाएगा मुझे। 21 नंबर का प्रश्न है, वह पढ़ रही है, एक वाक्य तो ये है, दूसरा वाक्य है वह लड़की पढ़ रही है। पहले और दूसरे वाक्य में वह शब्द जो है वो किस रूप में आया है? तो यहाँ हम देखें पहले में वह पढ़ रही है, तो वह संज्ञा के स्थान पर आया है, मतलब लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, तो इसकी जगह पर वह आ गया, तो ये सर्वनाम हो गया। और वह लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ लड़की की विशेषता बता रहा है वह, तो ये वह सार्वनामिक विशेषण हो चुका है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22 की, बाजार से कुछ सामग्री ले आओ। सामग्री शब्द में लिंग और वचन संबंधित कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन ब, सामग्री स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो यहाँ ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, राधिका और लतिका में गहरी मित्रता है। वाक्य में राधिका, लतिका और मित्रता शब्दों में प्रयुक्त संज्ञाओं का भेद आपको बताना है, तो इन तीनों का भेद आपको बताना है। तो यहाँ हम देखें राधिका, लतिका दोनों व्यक्तिवाचक हैं और मित्रता जो है ये भाववाचक है, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पद में कबीरदास जी ने ईश्वर को भावार्थ के आधार पर कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है वो आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वव्यापी। 25 नंबर का प्रश्न है, मिश्रित वर्ण एवं शिव के अर्थ को स्पष्ट करने वाले समश्रुत शब्द युग्म जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है, तो इसमें हम देखें तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित वर्ण शंकर और शिव ये शंकर, तो दोनों में ये अंतर है, इन शंकर का अलग अलग अर्थ जो है वो यहाँ पर दिया गया, कौन से शंकर का कौन सा अर्थ है ये यहाँ पर दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेरी पुस्तक कहाँ है, इसमें मेरी जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है, तो यहाँ हम देखें तो ये संबंध प्रकट कर रहा है पुस्तक के साथ, तो यहाँ संबंध कारक हमें देखने को मिलेगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद पंक्ति में मारुति शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ हम मारुति हनुमान जी को बोलते हैं। फिर हम बात करें 28 नंबर के क्वेश्चन की, हे न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तुम रखो अपनी धरती तमाम, पंक्तियों में कवि किस बारे में ध्यान आकर्षित करता है? तो यहाँ हम बात करें तो इसका सौहार्द के लिए अपना अधिकार छोड़ना, इसके बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनते ना जाही। इन पंक्तियों में इन साखी में हंसा केली कराही का प्रतीक किसे कहा गया है? तो इसका प्रतीकार्थ माना गया है जीवन का आनंद लेना। अगला है प्रश्न नंबर 30, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर की इन पंक्तियों में सखी के अनुसार मनुष्य की पहचान उच्च कुल में जन्म लेने पर भी उसके कर्मों से होती है, क्योंकि तो इसमें हो जाएगा निम्न कुल का व्यक्ति अच्छे कर्मों से सम्मानीय बनता है, तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त शैली का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? तो यहाँ हम देखें इसका उद्देश्य है सरसों के विवाह का उल्लेख इसमें किया गया, हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, सरसों के सियानी होने का क्या प्रतीकार्थ है? तो यहाँ सरसों सियानी हो गई, इसका अर्थ है सरसों की फसल पूर्णतया पककर तैयार हो गई है। जब लड़की सियानी हो जाती है तब उसके विवाह के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ सरसों सियानी हो गई मतलब वो पूरी तरीके से पककर तैयार है, अब उसे काटा जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है,
काबा फिरी काशी, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोठ चून मैदा भया, बैठी कबीर जीम दी कबीर जीम। तो यहाँ दी गई साखी में मोठ चून मैदा भया में क्या प्रतिकार थे? निहित है। तो यहाँ हम देखें तो ईश्वर को चाहे किसी भी रूप में मानो, वह तो एक है, मतलब ईश्वर एक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झके मारी। प्रदत्त साखी में कबीर ने संसार की तुलना स्वान से की, क्योंकि तो ये संसार स्वान की भांति अकारण बोलता रहता है, इस कारण उसकी तुलना की है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम हो नहीं जाएगा, फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हो नहीं जाएगा। इन पंक्तियों में कुत्ते ने किस भावना के वशीभूत पानी में छलांग लगाई होगी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्वामी भक्ति के कारण। प्रश्न नंबर 36 है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। उक्त पंक्तियों में किस ऋतु की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ हम देखें वसंत ऋतु की ओर इन पंक्तियों में संकेत किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। इन पंक्तियों में बगुले की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ हम देखें तो लक्ष्य केंद्रित होने की ओर इसमें संकेत किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राघव ने आम खाया मोहित ने कार चलाई, इन वाक्यों के आधार पर बताइए कि यदि कर्म के साथ को नहीं जुड़े तो क्रिया का लिंग निर्धारण किसके अनुसार यहाँ पर हो रहा है? तो यहाँ हम देखें कर्म के लिंग के अनुसार क्रिया का निर्धारण यहाँ हो रहा है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ हम देखें चाय के लिए थोड़ी सी चीनी दीजिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो लोकेश पेड़ पर चढ़ा और अमरूद तोड़ लाया, तो और से ये जुड़ा है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में आपको बदलना है और उसमें सही विकल्प आपको चुनना है, मैंने कहा और वह चली गई, ये संयुक्त वाक्य है, इसे आप सरल वाक्य में किस प्रकार बदलोगे? मेरे कहने से वह चली गई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, समास शब्द से क्या विशेषण बनता है? तो यहाँ हम देखें समास से सामाजिक विशेषण बनता है। प्रश्न नंबर 43 है, संज्ञा के विशेषण शब्द की रचना करने के लिए सर्व उपयुक्त युक्ति इनमें से कौन सी है? तो यहाँ हम देखें प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, शीतल किस वायु में विशेषण है? तो यहाँ हम देखें घड़े का पानी शीतल है, तो यहाँ शीतल जो है ये विशेषण का काम करेगा। प्रश्न नंबर 45 है, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है, तो यहाँ भुलक्कड़ जो है ये विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण इनमें से एक शब्द जो है, एक ऑप्शन विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है, तो मानवता जो है ये इसमें विशेषण नहीं है। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मोहन खाना खाता है, मोहन ने खाना खा लिया, दूसरे वाक्य में ने पर सर्ग लगाने से क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है? पहला सीधा हो गया मोहन खाना खाता है, दूसरे में मोहन ने खाना खा लिया, तो इसका प्रभाव आपको बताना है, तो ये क्रिया जो है वो भूतकाल में
चली गई। मतलब इसमें तो खाता है, मतलब वर्तमान काल में अभी तक वो खाना खा रहा है, इसमें खा लिया मतलब वो खा चुका है, तो पहले की क्रिया भूतकाल में चली जाती है। प्रश्न नंबर 48 है, रीमा ने अपना गृह कार्य किया और वो सो गई। वाक्य इसका आपको सरल वाक्य बनाना है। तो इसका जो सरल वाक्य बनेगा वो बन जाएगा, रीमा अपना गृह कार्य करके सो गई। तो ये सरल वाक्य इसमें बन चुका है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, रमेश ने विद्यालय से आकर खाना खाया। यह एक सरल वाक्य है, इसे आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो यहाँ हम देखें, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था संयुक्त वाक्य और से जुड़ा है, तो यहाँ हम देखें तो ये और से जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अंबु शब्द में ज और द वर्ण जोड़ने पर क्रमशः बने शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। ये भी हमने आपको बादल वाले पर्यायवाची में ये बताया था, किसके अंत में ज लगने पर वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा और अंत में द लगने पर वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ कमल और बादल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द है, तो इसमें कौन सा जो है वो है प्रतिमा। प्रतिमा में प्रत्यय रहित शब्द ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 52 है, वह लड़का सुंदर है। इस वाक्य में वचन परिवर्तित करने पर विशेषण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम देखें तो विशेषण जो है वो अपरिवर्तित इसमें रहता है। अप्रत्याशित शब्द में इत प्रत्यय है, तो इसमें मूल शब्द क्या होगा। तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, ये आपको पता है, तो यहाँ मूल शब्द जो होगा वो हो जाएगा आशा। अ प्रति ये दो तो इसमें उपसर्ग हो जाएंगे, आशा मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय आपको ढूंढना है। तो यहाँ हम देखें संप्रदायिकता, तो ये ऑप्शन द है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, दुस्साहसी शब्द में मूल शब्द उपसर्ग प्रत्यय क्या होंगे। तो यहाँ हम देखें तो इसमें दुस्साहस और ई, ये इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा और ये इसमें उपसर्ग हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, अंबर अंबार, इसके सही अर्थ आपको बताने हैं। तो यहाँ हम देखें अंबर वस्त्र होता है और अंबार अत्यधिक मात्रा। 57 नंबर का प्रश्न है, प्रोत्साहित शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द क्या हैं। तो यहाँ हम देखें प्र तो इसमें उपसर्ग है और उत्साहित इसमें मूल शब्द है, और ऐसे करें तो इसमें उत्साह मूल शब्द हो जाएगा और इत इसमें प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार भी आप इसको ऑप्शन में अगर इत प्रत्यय जुड़ा है और प्रत्यय के बारे में पूछते हैं तो ये उत्साह इसमें मूल शब्द हो जाता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ हम 58 वाले क्वेश्चन में देखें तो इसमें अधि तो उपसर्ग है और अक्ष मूल शब्द है, अधि धन अक्ष। 59 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द समूह इसमें कौन सा है। तो इसमें कर्मागत क्रमशः क्रमबद्ध जो है ये उपसर्ग रहित शब्द समूह यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया चित्र हमें क्या संदेश दे रहा है। तो यहाँ नशा नाश का द्वार है, तो यहाँ नशा नाश का द्वार है ये इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। आगे प्रश्न नंबर 61 है, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ नहीं वाला आपको छांटना है, तो यहाँ अयाल में अ उपसर्ग नहीं है, अभाव में अ उपसर्ग है, अनाथ में अ उपसर्ग है, मूल शब्द अ को छोड़कर बाकी मूल शब्द हो जाएंगे, इसमें भाव इसमें नाथ इसमें मर और अ उपसर्ग है। 62 नंबर क्वेश्चन है, बेकार शब्द में उर्दू उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसे हटाकर हिंदी का कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि इसका अर्थ भलाई हो जाए। तो बेकार में बे उपसर्ग है, तो बे को हटाकर क्या लगाएं कि वो भलाई हो जाए। तो यहाँ हम देखें उपकार,
उप लगा देंगे बे की जगह, बे उर्दू का है और इसकी जगह उप उपसर्ग लगा देंगे, ये हो जाएगा उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई। 63 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द पर उपसर्ग से नहीं बना है? तो यहाँ हम देखें पर उपसर्ग से नहीं बना है, वो है परायण। 64 नंबर का क्वेश्चन है, अनुपसर्ग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ अनुकरण जो है ये अनु उपसर्ग का उदाहरण है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? ये पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं है। अधिकांश में अधि उपसर्ग नहीं है, सभी में बाकी में अधि उपसर्ग है। तो ये जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं ये आपको प्लेलिस्ट में बहुत ही शानदार तरीके से समझाए हुए आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 66 नंबर का क्वेश्चन है, अप उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है तो अपरिहार्य इसमें अप उपसर्ग नहीं है। फिर आगे हम बात करें, प्रश्न संख्या 67-68 के उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर आपको देना है। तो यहाँ आप इस गद्यांश को वीडियो को रोककर पढ़ें और उसके बाद में आपको नीचे इसके आंसर देने हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यदि किसान ने मूर्ति बेच दी होती तो उसका जीवन कैसे बदल सकता था? तो यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा, उसकी गरीबी दूर हो जाती। ये इस पैराग्राफ से ही आपको ढूंढना था। 68 नंबर का प्रश्न है, किसान के मूर्ति को बेचने और न बेचने के विचारों में क्या अंतर था? तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा, बेचने से उसे पैसा मिलता और न बेचने से उसे संतोष मिलता। तो इन दोनों का आंसर इस गद्यांश में दिया गया है। फिर आगे प्रश्न संख्या 69-77 के उत्तर इस गद्यांश में से आपको ढूंढकर बताने हैं। तो 69 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने किन किन प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख इस पैराग्राफ में इस गद्यांश में किया है? तो यहाँ हम देखें जंगल नदियाँ और पहाड़ों का वर्णन, जंगल नदियाँ पहाड़ इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर 70 है, इस गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो यहाँ हम देखें प्राकृतिक संसाधनों का इम्पोर्टेंस या उसका महत्व है, ये इसमें बताया गया है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार प्रकृति का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। प्रश्न नंबर 72 है, इस गद्यांश के आधार पर एक कविता की शुरुआत करें जो प्रकृति के महत्व और संरक्षण पर हो। निम्नलिखित में से किस विकल्प से कविता शुरू की जा सकती है? तो यह हम जंगलों की हरितिमा, नदियों का नीर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, गद्यांश में लेखक ने किस प्रकार के प्रयास करने की बात कही है? तो यहाँ हम देखें तो सतत प्रयास के बारे में इसमें बताया गया है। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 74, लेखक के विचार से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसके लिए जरूरी है, आवश्यक है? तो यहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए ये जरूरी है। 75 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त यहाँ होने वाली है? तो यहाँ वनस्पति और जल संसाधनों की उपयोगिता यहाँ पर बताई गई है। प्रश्न 76 है, यह बै वाला ही ऑप्शन है जिसमें ये बचा हुआ, तो 75 का राइट आंसर ये बै वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, गद्यांश के आधार पर प्रकृति का महत्व है, इस पर एक पोस्टर डिजाइन करें। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदेश सबसे उपयुक्त उसमें होगा? तो यहाँ हम बात करें प्रकृति का संरक्षण करें, यह इसके लिए सबसे उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 77 है, इस गद्यांश के आधार पर एक कहानी की शुरुआत कैसे की जा सकती है जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर हो? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त इसमें माना जाता है? एक छोटे से गांव में लोग अपने आसपास की हरियाली का आदर करते थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 78 से लेकर 86 तक के उत्तर
आपको इसी गद्यांश से ढूंढ कर चुनना है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, शेर का चरित्र कैसा था? तो इस गद्यांश को पढ़कर आप देख सकते हैं शेर का जो चरित्र था वो बहुत ही दयालु था। 79 नंबर का जो क्वेश्चन है यह पूछ रहा है, चूहे के द्वारा वादा करने के पीछे कौन सा तर्क इसमें निहित था? तो इसमें वह अपनी जान बचाना चाहता था। 80 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप शेर की जगह होते तो आप तो क्या आप भी चूहे को छोड़ देते, और छोड़ते तो क्यों छोड़ते, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, क्योंकि दया का फल हमेशा अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक पक्ष क्या है और वो क्यों है? तो यहाँ हम देखें, छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं क्योंकि चूहे ने शेर की मदद की थी, तो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, छोटा भी किसी दिन बड़े के काम आता है, ये इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 82 है, कहानी में शेर और चूहे के बीच कौन सा संबंध यहाँ पर प्रकट किया गया है? तो यहाँ हम देखें, सहयोग का जो भाव है ये हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, अगर इस कहानी को आप एक आधुनिक संदर्भ में लिखना चाहें तो आप किस प्रकार से इसे बदलेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा, शेर की जगह एक बिजनेसमैन और चूहे की जगह एक छोटा कर्मचारी इसमें रख देंगे। 84 नंबर का प्रश्न है, अगर शेर ने चूहे को नहीं छोड़ा होता तो कहानी का अंत कैसा होता, कहानी कैसे ख़त्म होती? तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा, शेर शिकारी के जाल में फंसा रह जाता और शिकारी उसे पकड़ कर ले जाते। प्रश्न नंबर 85 है, शेर द्वारा चूहे को छोड़ने का निर्णय नैतिक दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही, क्योंकि दया दिखाना नैतिकता का एक प्रमुख हिस्सा है। प्रश्न नंबर 86 है, चूहे के कार्य की प्रशंसा किस प्रकार की जा सकती है? तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा, चूहा कमज़ोर था फिर भी उसने शेर की सहायता की, मदद की। फिर है प्रश्न 87 से लेकर 95 तक के उत्तर आपको इस गद्यांश में से ढूंढने हैं, सिर्फ डेड लाइन का ये गद्यांश है और इसमें आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 87 नंबर का प्रश्न है, इस गद्यांश का प्रमुख विषय क्या होना चाहिए? तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि के प्रति प्रेम। 88 नंबर का प्रश्न है, तेरे चरणों में झुकना हमारा धर्म है, पंक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। 89 नंबर का प्रश्न है, तेरी मिट्टी में ही हमारी पहचान है, इस पंक्ति में कवि किस भावना को प्रकट कर रहे हैं? तो यहाँ हम देखें, देश की मिट्टी से आत्मीयता का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, इस गद्यांश में वर्णित भावनाओं को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उचित है? तो उचित कथन आपको बताना है, तो इसका उचित कथन हो जाएगा, कवि देश के प्रति अपने गहरे प्रेम और समर्पण को प्रकट कर रहा है, ऑप्शन ब इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, तू हमारा अभिमान है, पंक्ति में अभिमान का अर्थ क्या है? तो यहाँ हम देखें, अभिमान का अर्थ होता है गौरव। 92 नंबर का प्रश्न है, इस गद्यांश की भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो यहाँ राष्ट्रीय ध्वज पहराना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, तेरे लिए ही जीना मरना हमारा कर्म है, इस पंक्ति में कवि ने कौन सी भावना प्रकट की है? तो यहाँ कवि ने निष्ठा और समर्पण का भाव प्रकट किया है। प्रश्न नंबर 94 है, इस गद्यांश से प्रेरित होकर यदि आप एक निबंध लिखना चाहें तो उसका शीर्षक आप क्या रखेंगे? यहाँ चारों विकल्पों में से आपको बताना है, तो मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य, ये इसका सही शीर्षक होगा। प्रश्न नंबर 95 है, इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? तो यहाँ हम गद्यांश की नहीं बल्कि पद्यांश की बात कर रहे हैं, हमने शुरू में उसको गद्यांश बता दिया था, मगर ये गद्यांश नहीं है, ये क्या है, पद्यांश है, कविता के रूप में जो
पैराग्राफ होगा वो पद्यांश का होगा और कहानी के रूप में जो पैराग्राफ होता है वो गद्यांश होता है। तो यहाँ 95 का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कवि देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त कर रहा है। प्रश्न नंबर 96 है, किस समूह के सभी शब्द जो हैं वो विलोम शब्द हैं, ये आपको बताना है। तो मित्र, सखा, मुखर, वाचाल। तो यहाँ सही शब्द विलोम, तो मित्र सखा तो ये पर्यायवाची हो गए, और यहाँ शीघ्र त्वरित ये भी जल्दी हो गए दोनों। मित महात्मा दुरात्मा और यहाँ मीठा मधुर एक ही हो गए। तो यहाँ ये चारों ऑप्शन ही इसी प्रकार के हैं, तो इसमें आप ऑप्शन स को ही सही मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, किस समूह के सभी शब्द विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, आदि, अंत, आदर्श, यथार्थ, ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 98 है, इस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो यहाँ हम देखें अंत, दशन, द्विज, ये सभी दंत, अंत नहीं दंत, ये सभी दांत के पर्यायवाची हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो यहाँ हम देखें तो बैल, वृषभ, ऋषभ और वली वर्ध, ये सभी पर्यायवाची हैं। अंत लास्ट का क्वेश्चन है, प्रसाद और प्रासाद युग्म शब्द के लिए सही शब्द समूह का आपको चयन करना है। तो यहाँ हम देखें प्रसाद होती है कृपा और प्रासाद होता है महल, तो ऑप्शन द इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।